हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा सिविक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी। सो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे नेशनल पार्टीज के बारे में, नेशनल पार्टीज कितनी है इंडिया में, 6 नेशनल पार्टी है। 6 नेशनल पार्टीज के अंदर से हम देख चुके हैं सर भारतीय जनता पार्टी, हम देख चुके हैं सर कांग्रेस, फिर हम देख चुके हैं एनसीपी जिसे हम कहते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और आज हम देखने जा रहे हैं सीपीआई और सीपीएम। अब है क्या सर ये सीपीआई और सीपीएम है क्या, तो हम देखते हैं सर कि सीपीआई का फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसे हम क्या कहते थे सीपीआईएम कह देते हैं। ये कब फाउंड हुई थी, ये हुई थी 1964 में फाउंड हुई थी। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, ये किस में बिलीव रखती है, ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में क्या रखती है, बिलीव रखती है। ये सपोर्ट करती है सोशलिज्म को, सेक्युलरिज्म को और डेमोक्रेसी को, और इसी के साथ साथ ये अपोज करती है इंपीरियलिज्म को और कम्युनलिज्म को। सर ये जो दो, ये जो देख पा रहे हैं सर, ये जो इंपीरियलिज्म और ये कम्युनलिज्म है ना, इसको ये पार्टी क्या करती है, ये इसको अपोज करती है। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मींस फॉर securing the objective of socio economic justice in India। अब ये सर एक्सेप्ट करती है किसे सर, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को ये एक्सेप्ट करती है, और ये मानती है कि ये क्या है, ये एक यूजफुल और हेल्पफुल मीन है ताकि इंडिया में सिक्योर किया जा सके। क्या सिक्योर किया जा सकते, कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो है ना इंडिया में, उसको क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। अब सर ये बहुत ज्यादा है ना कॉम्प्लेक्स होती जा रही है चीजें, तो हम बच्चा एक है ना इसको इजी कर देते हैं। क्या इजी कर सकते हैं सर, हम जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी का अगर आप कभी भी रोल देखोगे तो ये कैसी पार्टी है, एक सोशलिज्म सपोर्ट करने वाली पार्टी है। बस इतना याद रखो ये सोशलिज्म सपोर्ट करती है, और इसी के साथ साथ ये पार्टी जो है इंडिया में आके सर देखा जाता है जो पार्टी सोशलिज्म को सपोर्ट करती है ना, वो कभी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को सपोर्ट नहीं करती, ऐसा देखा गया है। पर फिर भी ये जो पार्टी इंडिया में है वो इस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को क्या करती है, सपोर्ट करती है, एक्सेप्ट करती है, और इसको एक यूजफुल और हेल्पफुल मीन मानती है। क्यों, क्योंकि सर ये जो पार्टी है इसका भी, इस पार्टी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव होता है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, और ये मानती है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू हम ये सोशियो इकोनॉमिक जो जस्टिस है ना इंडिया में ला सकते हैं, हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव है ना ये फुलफिल हो सकता है। एंजॉयस स्ट्रांग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा। सर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिलता है कहाँ पे सर, वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में, स्पेशली अमंग द पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड द इंटेलिजेंसिया। अब बच्चा है क्या इनको पार्टी, इस पार्टी को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, इस पार्टी को सपोर्ट मिलता है पुअर क्लास से, फैक्ट्री वर्कर्स से, फार्मर्स से, एग्रीकल्चर लेबरर्स से। अब बच्चा एक आइडिया लग सकता है कि ये सभी क्या है, एक क्लास में आ रहे हैं। एक क्लास से आने का मतलब क्या है सर, ये सारा क्या है ना हमारा जो एक स्ट्राटा है उसका एकदम जो बेस है, ये सारा हमारा क्या है स्ट्राटा का एकदम बेस है, ये सबसे नीचे आने वाली क्लास है। तो हमें एक समझ में आता है सर कि जो पुअर्स है उनको ये पार्टी, उनको क्या चाहिए सर, इनको ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए। तो हमें एक इस पार्टी की आइडियोलॉजी मिलती है, क्योंकि इसको सपोर्ट कहां से मिलता है, गरीब लोगों के द्वारा इन्हें सपोर्ट मिलता है, फैक्ट्री वर्कर्स से इन्हें सपोर्ट मिलता है, फार्मर्स से इन्हें सपोर्ट मिलता है। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं सर ये पार्टी क्या चाहती है, ये सोशलिज्म चाहती है, पूरी सोसाइटी का ओवरऑल क्या चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है। मतलब आप सोसाइटी के किसी भी क्लास में हो, स्ट्राटा के किसी भी हिस्से में आप क्यों ना हो, पर आपका क्या हो, डेवलपमेंट हो। फिर हम आगे देखते हैं, क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। सर ये पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है सर, किसके लिए क्रिटिकल है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो आ रही है उसके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। क्यों, क्योंकि सर ये पार्टी समझती है, ये पार्टी मानती है कि ये जो फ्री फ्लो हो रहा है ना फॉरेन कैपिटल का और ये गुड्स का जो फ्री फ्लो हो रहा है कंट्री में, ये क्या है, गलत है। इस पार्टी के अकॉर्डिंग, इसकी जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, गलत है। हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 30 ईयर्स। सर ये वेस्ट बंगाल में पावर में रही है कब तक सर, 30 ईयर्स तक ये पावर में रही है, कहां पे सर, वेस्ट बंगाल में। फिर हम देखते हैं इन 2004 इलेक्शन इट वॉन अबाउट 6% ऑफ वोट्स एंड 43 सीट्स इन द लोकसभा, करंटली सपोर्ट्स द यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड विदाउट ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट। सर 2004 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें सर इसे कितने वोट्स मिले थे, इसे 6% वोट्स मिले थे। और जैसा कि हमने सर नेशनल पार्टी के वो टॉपिक में कवर किया था सर, अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है सर, आपको 6% वोट्स तो आपके पास होने ही होने चाहिए। और इसी के साथ साथ हमने क्या देखा, इसके पास कितनी सीट्स थी, इसके पास 43 सीट्स थी, कहां पे सर, लोकसभा में। और इसी के साथ करंटली हम देख रहे हैं ये जो पार्टी है ये सपोर्ट करती है यूपीए गवर्नमेंट को, सपोर्ट करती है सर यूपीए से, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, याद है सर किसका है ये, सर किसका है, याद करो, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे सर कि ये यूपीए किसका था, ये अलायंस किसका था। ये जो पार्टी है जो ये सीपीआईएम जो हम देख रहे हैं वो यूपीए को सपोर्ट करती है। फिर हम आगे देखते हैं विदाउट ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट, पर फिर ये किसी
विदाउट ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट, पर ये किसी भी गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं करती है। सर यूपीए से अब हम देख लेते हैं, सर ये कांग्रेस पार्टी का एक अलायंस है जिसको कांग्रेस पार्टी क्या करती है, लीड करती है। और एक होता है दूसरा जो अलायंस है वो है सर कौन सा, एनडीए। सर एनडीए कौन सा, सर हमने किसके लिए देखा था, सर ये हमने बीजेपी के लिए देखा था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। सर ये किसके लिए है, सर ये बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए है। फिर हम देखते हैं सर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सर बेसिक क्या है, ये मार्क्सिस्ट नहीं है, ये क्या है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। सर इन दोनों के क्या है, नाम एक थे, इसीलिए वो वाली जो पार्टी जो इससे पहले हमने कवर करी है उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, एम लगा देते हैं, मार्क्सिस्ट लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, ये कब फॉर्म होती है, फॉर्म होती है 1925 को। तो हमें एक आइडिया होता है सर कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी वो पहले फॉर्म हुई थी 1925 में। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये बिलीव रखती है सर किसमें, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में, सेक्युलरिज्म में एंड डेमोक्रेसी में। अब सर डिफरेंस क्या है, सर इसका भी तो सेम है जो हमने सीपीआईएम में देखा है, वही तो हम सीपीआई में देख रहे हैं। सर डिफरेंस है, अभी हम देख रहे हैं डिफरेंस आखिर है क्या। अपोज टू दी फोर्सेस ऑफ सेक्शनिज्म एंड कम्युनलिज्म। अब सर ये जो है ना पार्टी, ये अपोज करती है किसे, सर सेक्शनिज्म को, जो सेक्शंस है उनको क्या करती है, अपोज करती है। और इसी के साथ साथ जो कम्युनलिज्म है उसको भी ये पार्टी क्या करती है, अपोज करती है। और इसी के साथ साथ इस पार्टी का मोटिव है एक्सेप्ट करना किसे, सर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। क्यों सर, क्योंकि ये समझती है ये एज अ मीन, सर ये एक इसका मीन है सर, ताकि ये क्या प्रमोट कर सके, ये प्रमोट कर सके इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास फार्मर्स एंड द पुअर। सर ये किसका इंटरेस्ट प्रमोट करती है, ये प्रमोट करती है सर वर्किंग क्लास फार्मर्स, और जो ये जो पुअर है ना सर, इनका ये जो इंटरेस्ट है उसको क्या करती है, प्रमोट करती है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया किससे रिलेटेड है सबसे ज्यादा, ये रिलेटेड है जो हमारा सबसे जो लो स्ट्राटा है ना उससे ये रिलेटेड है। बिकॉज वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964 दैट लीड द फॉर्मेशन ऑफ द सीपीआईएम। तो हमें एक आइडिया लगा सर कि ये दोनों पार्टीज एक ही हुआ करती थी, पर हुआ क्या, 1964 के अंदर सीपीआईएम जो है वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। किससे स्प्लिट होती है सर, सीपीआई से क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है और एक नई पार्टी बन जाती है हमारे सामने सीपीआईएम, जिसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म। तो हमें एक आइडिया लग चुका है सर कि हमने क्या बोला था, हमने क्या डिस्कस किया था, हम बात कर रहे थे सर कि इन दोनों पार्टीज में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस बस इतना ही आइडियोलॉजीज का, क्योंकि इनके जो आइडल्स है, जो इनकी जो वैल्यूज है वो थोड़ी अलग है। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट्स ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इट सपोज बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। सर इसकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस कहां पे सर, केरला में है, वेस्ट बंगाल में है, पंजाब में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, पर अब है ना हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसका जो ये बेस है सर, इसका जो ये सपोर्ट है ना, वो धीरे धीरे क्या है ना, डिक्लाइन होता जा रहा है। इट सिक्योर्ड अबाउट 1.4% वोट्स एंड 10 सीट्स इन द 2004 लोकसभा इलेक्शंस। अब जब हम बात कर रहे थे सर, अभी हमने सीपीआईएम का देखा था, सीपीआईएम के अंदर क्या था सर कि उन्हें कितने वोट्स मिले थे, 6% वोट्स मिले थे। अब हम क्या देख रहे हैं, इन्हें कितने वोट्स मिले 2004 लोकसभा इलेक्शंस के अंदर, इन्हें 1.4% वोट मिले हैं। और इसी के साथ साथ इनके पास कितनी सीटें थी 2004 के लोकसभा इलेक्शन में, 10 इनके पास सीट थी। तो हमें एक आइडिया लग जाता है सर कि सीपीआई जो है ना, अब वो धीरे धीरे अपनी जो पावर है, जो अपना जो एक ये पावर का फॉर्मेशन था, वो अब क्या है ना, धीरे धीरे वो खोती जा रही है, वो अपना जो पावर है धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है। एडवोकेट्स द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टीज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट। तो सर ये क्या चाहती है, ये पार्टी क्या चाहती है कि जितनी भी लेफ्ट पार्टीज है ना, वो साथ आए और साथ आके एक अलायंस बनाए, और उस अलायंस का नाम क्या होगा, लेफ्ट फ्रंट होगा। तो जैसा कि हमने कुछ अलायंसेस पढ़े थे सर, पहला जो अलायंस था वो हमने क्या पढ़ा है, एनडीए पढ़ा है सर। कौन सा है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हमने पढ़ा है। किसका है सर, ये बीजेपी का है। फिर हमने सेकंड कौन सा पढ़ा, यूपीए पढ़ा। यूपीए कौन सा है सर, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है। सर ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस किसका है सर, ये है कांग्रेस का। अब हम जो देख रहे हैं वो है कौन सा, लेफ्ट फ्रंट। और जो सर ये लेफ्ट फ्रंट है, ये लेफ्ट फ्रंट क्या चाहता है, ये लेफ्ट फ्रंट चाहता है कि जितनी भी लेफ्ट पार्टीज है ना, वो साथ आए और साथ आके एक स्ट्रॉन्ग क्या बनाए, लेफ्ट फ्रंट बनाए। करंटली सपोर्ट्स यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। और इसी के साथ साथ ये अभी किसको सपोर्ट कर रही है, यूपीए गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। कहां से कर रही है सर, आउटसाइड से कर रही है, मतलब ये गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं कर रही है, ये बस भारी रूप से किसे सपोर्ट कर रही है, यूपीए को सपोर्ट कर रही है। यूपीए ये रहा, और यूपीए किसका है सर, यूपीए कांग्रेस का है। तो हमें एक आइडिया हो चुका है सर कि जो हमारा सीपीआई है, जो हमारा अब हम देखने जा रहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो हमने देखा है, ये किसको सपोर्ट करता है, ये यूपीए को सपोर्ट करता है। अब एक बार क्या है ना बच्चा, इसका रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या
देखा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो थी वो कब फॉर्म हुई थी, कब ये अपने एग्जिस्टेंस में आई थी, 1964 में आई थी। अब सर इसका मानना क्या है, ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में विश्वास रखती है, इसी के साथ साथ सोशलिज्म सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी में भी इसका एक अच्छा विश्वास है, पर ये अपोज करती है सर इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म को। इसके साथ साथ ये एक्सेप्ट करती है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को, क्योंकि इसका मानना है कि ये एक यूजफुल और हेल्पफुल मीन है ताकि ये अपना ऑब्जेक्टिव जो है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस का इंडिया में उसको क्या कर सके, सिक्योर कर सके। फिर हमने देखा कि ये जो पार्टी है इसका सपोर्ट बेस कहां पे है, वेस्ट बंगाल में है, केरला में है, त्रिपुरा में है, जहां पे इसको सपोर्ट मिल किस तरह है, दी पुअर फैक्ट्री वर्कर्स फार्मर्स एग्रीकल्चर लेबरर्स इनसे इसको क्या मिल रहा है, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और सर इसी के साथ साथ ये जो पार्टी है वो क्रिटिकल है किसके लिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए। कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्लो करती है सर किसको, फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री, जो चाहती है सर ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसका मोटिव है कि फ्लो हो किसका सर, फॉरेन कैपिटल गुड्स का, कहां पे सर, इंडिया में हमारी कंट्री में। फिर हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में ये 30 इयर्स तक क्या रही है, पावर में रही है। फिर हमने देखा 2004 के इलेक्शन में इसे 6% वोट्स मिलते हैं और इसी के साथ 43 सीट्स मिलती है, कहां पे सर, लोकसभा में। और इसी के साथ साथ अभी करंटली ये यूपीए को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। फिर हम देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म से अलग है। क्यों है अलग, क्योंकि सर की ये कब फॉर्म हुई थी, 1925 में फॉर्म हुई थी। इसका भी विश्वास, इसका भी जो बिलीव है वो किस पे है, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी पे है, पर ये अपोज करती है सेक्शनिज्म को एंड कम्युनलिज्म को। जो सेक्शन है ना सर, सोसाइटी में इतने सारे सेक्शन है, ये सब ये इन सभी सेक्शन को क्या करती है, ये अपोज करती है। इसका मानना है सर ये सेक्शन नहीं होने चाहिए सोसाइटी में। फिर हम आगे देखते हैं ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, क्योंकि इसका मानना है कि इसके थ्रू ये प्रमोट कर सकते हैं इंटरेस्ट को, किसके इंटरेस्ट को सर, वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को, फार्मर्स के इंटरेस्ट को सर, पुअर क्लास के इंटरेस्ट को। फिर हम देखते हैं बिकेम वीक, सर ये जो पार्टी है ये बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, कब वीक हो जाती है, 1964 के स्प्लिट के बाद ये वीक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये जो पार्टी है इसका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरला में, और सर इसको जो सपोर्ट मिल रहा था वो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है। और वो हमें पता पड़ता है जब हम 2004 के लोकसभा इलेक्शन देखते हैं, जहां पे इसे 1.4% वोट्स मिले थे और 10 इसको सीट्स मिली थी। फिर हम देखते हैं सर ये पार्टी एडवोकेट्स करती है, इस पार्टी का मानना है कि जितनी भी लेफ्टिस्ट पार्टी है वो पार्टी सभी साथ आए और साथ मिलकर क्या बनाए, लेफ्ट फ्रंट बनाए। फिर हम देखते हैं सर कि करंटली ये जो पार्टी है ये यूपीए गवर्नमेंट सर, जो हमारे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है ना, उसे सपोर्ट कर रही है, जो कांग्रेस पार्टी है उसे क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जो यूपी है उसका लीडरशिप किसके पास है, उसका लीडरशिप किसके पास है, कांग्रेस के पास है। तो बच्चा आज के टॉपिक में इतना ही, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।